सेल के भी रिसेंटली जो है वो नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसमें जो है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अराउंड 249 जो है वो सीट्स वैकेंट है। तो इसके लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हो, और इसकी जो है वो अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इसमें जो है वो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास एक वैलिड जो है वो एससी या फिर एसटी कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूँगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दैन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। देखो यहाँ पे जो है वो सर्टिफिकेट अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो है वो क्लॉज देखोगे तो इसमें जो है क्लियरली मेंशन है कि आप जो अपना कैटेगरी है उसको आपको सेम रखना है। मींस अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तभी आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से अप्लाई करें, वरना जो है वो रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है, वरना बाद में आप इसे चेंज नहीं कर पाओगे और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस केस का आपको ध्यान रखना है पहली बात। और जो सर्टिफिकेट है वो पहले से आपके पास बना हुआ हो तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर आप जितना जल्दी हो सके सर्टिफिकेट बनवा लो, वरना बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस बारे में भी मैं बात करूँगा। क्लियरली डेट्स तो मेंशन नहीं है कि कब से पहले आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, लेकिन एससी एसटी का जो केस होता है उसमें ऐसा कुछ फॉर्मेट रहता है एक पेज का, तो आपका सर्टिफिकेट ऐसे ही फॉर्मेट पे बना होना चाहिए। और एससी के लिए अलग होती है, एसटी की चीज़ें अलग होती हैं। तो अगर आप एससी से रहोगे तो एसटी की चीज़ें नहीं रहेंगी, और अगर आप एससी एसटी से रहोगे तो एससी की चीज़ें नहीं रहेंगी, तो ऐसा कुछ खेल रहता है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आप जब ऑफिस से बनवाते हो तो वो ऑफिस में वो लोग ऑफिसर्स जो फॉर्मेट है वो अपना मैनिपुलेट कर देते हैं उस हिसाब से। अब बात आती है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है इस फॉर्मेट पे तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं है तो आप जो है वो इस फॉर्मेट पे सर्टिफिकेट जितना जल्दी हो सके बनवा लो। और ये जो फॉर्मेट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है, ऑल ओवर इंडिया यही फॉर्मेट चलता है। और जो आपका सर्टिफिकेट है, इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर क्लियरली मैंसनड है कि जो सर्टिफिकेट है वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार रैंक के नीचे का सर्टिफिकेट आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना, वरना बाद में आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो आई होप कि ये जानकारी मैंने आपको दे दी। और अगर आपको नहीं पता है कि सर्टिफिकेट कैसे बनता है तो मैंने जो है वो एक वीडियो बना दिया हुआ, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो कि एससी और एसटी सर्टिफिकेट आप कैसे बनवा सकते हो, डिजिटली साइंड वैलिड है या नहीं, और लैंग्वेज क्या होना चाहिए। सो तमाम चीज़ें जो कि एससी या फिर एसटी कैटेगरी के सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग है तो वो मैंने डिस्कस किया है। और फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आप जो है वो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।